जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। मैं सभी के लिए एक चीज बता दूं, क्योंकि फिर से लगता है हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब आदरणीय अतुल प्रसाद जी ने वो कारनामा कर दिखाया जो बीपीएससी TRE-1 में हुआ था, यानी फॉर्म भरने के बाद फिर से बदलाव। तो आप समझ जाइए, जो भी हमारा STET या CTET पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी है और बीपीएससी में सेकंड फेज की बहाली में बैठना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट नंबर में क्या होगा इसको लेके फिर से हमारे आदरणीय अतुल प्रसाद जी ने लेटर जारी कर दिया है। वही मैंने लिखा बड़ा लेटर जारी हो गया है। तो मैं फिर बोल दूं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, फिर बाद में मत कहिएगा अक्सर गलती हो गया। गलती जिनका हो गया वो भी परेशान नहीं हो, क्यों नहीं परेशान होना है, उस परेशानी का जो सबब जो न बने इसके लिए हम यहां है। देखिए हम तीन बिंदु पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड बिंदु पर बात करते हैं, ये लेटर क्या जारी हुआ है। इससे पहले आपको बता दे, आप क्या कीजिएगा, ज्यादा परेशानी हो या नहीं विश्वास हो तो गूगल खोलना, मोबाइल में गूगलवा होगा, गूगलवा खोल के बीपीएससी मारना। ये बीपीएससी कैमरा में दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वहां देख लीजिएगा तो भाई प्लीज। बीपीएससी खोलिएगा, कल के डेट में नौ कल के डेट में दो लेटर निकला है। इसमें क्लास सिक्स टू एट के लिए क्या लेटर है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो झट से आपका स्क्रीन पे ऐसा खुल जाएगा ये लेटर। इसी लेटर को हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा सर, ठीक है। चलिए मैं इसको बताता हूं, ये लेटर देखिए, बीपीएससी के द्वारा लेटर निकला, आवश्यक सूचना। ये सारी बातों को हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, आपको पढ़ना भी है। मैं उस बिंदु पे आता हूं जहां पे आपको जिसको लेके मैं बताना चाहता हूं, इसको VBI ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय का मतलब हुआ छठी से लेके आठवीं वालों के लिए, मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक यानी प्रशिक्षित यानी पिछड़ा या अति पिछड़ा वाले जो स्कूल है उसमें जो छठी से आठवीं का जो टीचर बनेंगे उनको बोला जाता है प्रारंभिक शिक्षक। लेकिन जो जनरल विद्यालय है उसमें छठी से आठवीं को बोला जाता है मध्य विद्यालय। दो चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र का मतलब हुआ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र एवं या अंक पत्र यानी मार्कशीट में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि यानी इश्यू डेट अंकित करेंगे, विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। इसका मतलब समझिए आप, अब समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो लेटर निकला है तो आप सभी फॉर्म भर गए होंगे, तो आपके पास सीटेट, यहां ध्यान दीजिए क्या बोलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बने रहिएगा, अदरवाइज जा भी सकते हैं आपकी इच्छा। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया तो आपसे वहां पूछेगा सीटेट, ये सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। तो ठीक है भैया, सर्टिफिकेट तो अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे बोलेगा, ऐसा बक्सा खुलेगा, इस बक्सा में बोलेगा कि सर्टिफिकेट नंबर डालिए। तो मुद्दा यही है कि सर्टिफिकेट नंबर क्या डालिएगा। तो बीपीएससी ने बोला है, बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बोला है, इस जगह पे आपको डालना है क्या, सीरियल नंबर। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे आपको डालना है सीरियल नंबर। अब ये दिखेगा कहां, तो आप सभी के पास दो प्रमाण पत्र होगा सीटेट का, एक अंक पत्र और एक प्रमाण पत्र यानी जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो जब जैसे ही आप सर्टिफिकेट निकालिएगा तो ऊपर में देखिएगा, ऊपर में बाएं साइड से सीरियल नंबर लिखा होगा, इसके सामने 1 2 3 हो, तो वही सर्टिफिकेट के नंबर के बदले में यहां पे सीरियल नंबर डाल देना। अब फिर बोलिएगा, सर जो लड़का फॉर्म भर दिया अब बीपीएससी फर्स्ट फेज के आधार पे, जब उसका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो वहां NA लिखते थे, अब क्या होगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी जो बीत गया सो बीत गया, उसके लिए भी लेटर निकलेगा। फिलहाल जो नया अभ्यर्थी है वो गलती ना करे, क्योंकि लेटर कल ही आ गया है। तो सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे आपको सीरियल नंबर निकला है। दूसरा प्रश्न, ऐसा भी सवाल आपके मन में है कि सर जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला वो क्या करे, भैया बता देते हैं आपको भी हम। जैसे आपको पता है कि बिहार में जनरल महिला को सीटेट में 82 चाहिए, जो SC ST में है, अनुसूचित जाति और जनजाति में है,
महिला हो या कुछ, उन सबको 75 चाहिए। इसमें आप पीएच को भी ले लीजिए, फिजिकली हैंडीकैप। तो भैया मान लीजिए मात्र आपको 82 आया, जनरल फीमेल की बात कर रहे हैं ब्याह के लिए, और इधर हो गया एससी एसटी वाले, तो भैया इनका तो सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, चूंकि आप तो फेल है। बिहार सरकार को धन्यवाद दीजिए, हमारा आदरणीय चाचा नीतीश बाबू को धन्यवाद दीजिए और शिक्षा विभाग को कि आपको मौका दे दिया। तो मौका दे दिया, सर्टिफिकेट है नहीं, तो आपके पास अंक पत्र होगा। अंक पत्र कहने का मतलब हुआ आपके पास मार्कशीट होगा, तो आप मार्कशीट ही अपलोड कर देना। क्या करना? मार्कशीट, ये मार्कशीट आप अपलोड कर देना, ये आपके सर्टिफिकेट वहां लिखा होगा मार्क्स स्टेटमेंट, इसी को हिंदी में कहते हैं अंक पत्र, ऐसा वाला। तो जब आप ये अपलोड किए, जिनके पास ये है अंक पत्र, ये अपलोड किए, अपलोड करने के बाद वहां फिर बोलेगा भैया सर्टिफिकेट नंबर डालिए, तो कुछ मत करना। अंक पत्र में भी यहाँ पे लिखा होता है सीरियल नंबर, इस जगह पे, और यहाँ पे 1234 करके होगा, वही सीरियल नंबर यहाँ तुम डाल देना सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए पहले आपको। यही बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने इस लेटर के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बताने का जो भी तरीका है आपको समझ में आया होगा 100%, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये कल का लेटर है, परीक्षा नियंत्रक जो है उनके द्वारा निकाला गया लेटर है, देखिए, है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। आप बोलेगा सर निर्गत तिथि क्या, यानी इशू डेट, इशू डेट वो भी बता देते हैं आपको। फिर बोलेगा सर बताया नहीं, बताते नहीं आप, लीजिए वो भी हम बता ही देते हैं आपको, ये निर्गत तिथि क्या होता है। ये देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, तो बायां साइड में यहाँ पे लिखा होगा इशू डेट, इसी को हिंदी में कहते हैं निर्गत तिथि, या डेट होगा उसी डेट को फॉर्म भरने को डाल दीजिएगा। समझ में आ गया, आया ना जी, 100% आया। उसी प्रकार एस टी ई टी वाले का भी कहा गया है, जिनके पास एस टी ई टी का प्रमाण पत्र आ गया है, डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। साइट आपको बताइए, इस पे वीडियो बना दिए, लेकिन वीडियो आप देखते नहीं है, पता नहीं क्यों, इतना मेहनत करते हैं साहब, चिल्लाते हैं आपके लिए, अब बाद में गलती करते हैं सर, आवाज उठाइए, चाहे आंदोलन कीजिए, जब बताए तो वीडियो देखना होगा, नहीं तो बाद में होते रहिए, सच्चाई बुरा लगेगा आपको, चिल्ला चिल्ला के हम पागल हो गए। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं एसटीटी को लेके, इस पे भी आपको बता देते हैं भाई। ये देखिए एसटीटी का भी दे दिया, ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर बीएससीबी यूनिक आईडी एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। इसका भी मतलब समझ लीजिए भैया, बता देते हैं, ये लीजिए यानी 2023 का एसटीईटी सर्टिफिकेट आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, हो गया तुमने, ठीक है। तो ये जो डाउनलोडिंग किए हैं आप, ठीक है, तो यहां पे लिखा होगा बीएसईबी यूनिक आईडी, ऐसे करके लिखा होगा, यहां नंबर होगा कुछ, तो यही आपका हो जाएगा जब एसटीईटी का अपलोड कीजिएगा सर्टिफिकेट, और बोलेगा कि इसका सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा, तो यही लिख देना। और ये हम पहले बता चुके हैं कि यूनिक आईडी ही आपका एसटीईटी का सर्टिफिकेट नंबर है। अब बोलेगा सर निर्गत तिथि क्या डाले, तो निर्गत तिथि में परीक्षा फल जब प्रकाशन हुआ तो निर्गत तिथि में डालना 3 अक्टूबर, लिख लो, वो भी बता दिया 3 अक्टूबर 2023, ये हम 23 वालों के लिए बता रहे हैं। समस्या का समाधान हुआ, अगर हुआ है दोस्त तो कमेंट में अवश्य लिखना कि सर बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आपको बता दें वीडियो हम नहीं बना पाते, रीजन ये होता है क्योंकि हमें अब बिल्कुल समय नहीं मिलता है, और आपके साथ हम जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे, हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे आपके लिए। लेकिन एक आपसे वादा भी करते हैं कि गणित और विज्ञान के लिए अब हम बल्ले बल्ले करवाएंगे, क्योंकि मेरा नोट्स बन चुका है, और नोट्स जब पढ़ाएंगे 2-2 घंटा आप लाइव लेंगे हम बगैर चैनलों की तरह, तो आपका सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के हम भी कुछ नहीं है, आप सपोर्ट देंगे तो हम यहाँ है, अदरवाइज आप अपने घर, हम अपने घर, मेरा भी ऑफलाइन में कोचिंग चलता है, वहां बच्चे को पढ़ा के रोजी रोटी खा लेंगे। लेकिन गलत माइंड में मत लाइए कि सर का व्यू जाता है, बिल्कुल नहीं, आपका काम हुआ तो वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए कि सामने वाले को भी जलन और जलन से फटे,
हमारे लिए, चूंकि नौकरी तक परिवार है, फैमिली मेंबर है, हम सभी इस परिवार के हिस्सा है। आप हमारे बड़े भाई हो गए या हम आपके बड़े भाई हो गए, छोटी बहन हो गई, भैया भाभी, आजकल तो चाचा चाची भी फॉर्म भर गए, तो सभी हम लोग इस नौकरी तक के मुहिम को छेड़ना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर दबा के कर दीजिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि कोई आपको ठगे नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।